हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने तीन कलर की वूल ली है। एक मैंने ये वाइट कलर, येलो कलर और ये मैंने ग्रीन कलर, तीन कलर मैंने इसमें लिए हैं। और मैं ये आपको बहुत इजी और आसान तरीके से ड्रेस बनाना बताऊँगी। तो मैं इसमें ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड हमने इसमें 24 फंदे डाले हैं, 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बताऊँगी। तो मैं इसमें बहुत सुंदर इसमें फ्लोवर लगाऊंगी, तो मैं ये फ्लोवर वाली ड्रेस बनाना बता रही हूँ आपको। तो इसमें हमने 24 फंदे डालने के बाद इसमें हम इस तरह से यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे नेक का। तो मैं इसमें इस तरह से उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाऊंगी। और मैंने इसमें ये 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप इस तरह से इसका बॉर्डर बना लें। तो ये देखो, हमने उल्टी उल्टी इस तरह से पूरी सिलाई को बना लिया है। ये देखो, अब हम इसकी सीधी सिलाई को भी, सीधी सिलाई पे आ चुके हैं, तो यहाँ से भी फ्रेंड हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने दो सिलाई का बॉर्डर बनाया है, दो सिलाई हमारी ये सीधी साइड से और दो सिलाई उल्टी साइड से। अब हमने यहाँ से पहला फंदा हम उतार के, दो फंदे हमारे, एक दो, दो फंदे उल्टे रहेंगे। अब हम वूल को पीछे करके यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पहले इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। तो एक फंदे को हमने दोनों सीधा उल्टा बनाना है, तो फंदा बढ़ चुका है। अब हम फिर से पहले इस फंदे को सीधा भी बनाएंगे, वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, फंदा बढ़ चुका है। अब हम फिर से पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। तो हमने फंदा बढ़ चुका है, वूल को पीछे करेंगे। अब हम इस तरह से पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे, तो हमारे आगे के तीन फंदों पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी के पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को आगे वूल करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, फंदा बढ़ चुका है। फिर से वूल को पीछे करेंगे, पहले इस फंदे को सीधा भी बनाएंगे, फिर वूल आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, हमारा फंदा बढ़ चुका है। फिर से वूल को पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर आगे वूल करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएं, हमारा फंदा बढ़ चुका है। अब हम फिर से इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बना लेती हूँ, लास्ट के तीन फंदों को, दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, एक फंदा हमारा सीधा। इस तरह से तो मैं पूरी सिलाई को यहाँ तक बना लाती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, फंदा बढ़ चुका है। अब हमारे फंदा अपने साइड रखेंगे, अब हमारे तीन फंदे रह गए। तो तीन फंदों में दो फंदे हमारे, एक और दो, दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। अब वूल को पीछे करके सबसे लास्ट का हमारा ये सीधा रहेगा। ये देखो, तो हमने इस तरह से इस सिलाई पर फंदे बढ़ा लिए। अब हम इसकी उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो उल्टी सिलाई पे फ्रेंड हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। जी देखो, पूरी सिलाई को उल्टा, तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना के ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी सीधी सिलाई पे। तो फ्रेंड, मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना के इस तरह से ले आई हूँ। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं, तो अब हमारी इस तरह से दो सिलाई को तो हमने बॉर्डर बनाया था, तीसरी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए। अब हम चौथी सिलाई पे आ चुके हैं, तो चौथी सिलाई पे फ्रेंड हमने पहला फंदा हमारा ये सीधा उतारेंगे,
आगे वूल करके दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, एक दो, दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, वूल को पीछे करेंगे। अब हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी चौथी सिलाई हो चुकी है, ये देखो। तो मैं चौथी सिलाई को इस तरह से सीधा बनाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई इस तरह से सीधी बना ली है। अब हमारे आगे के तीन फंदे रह गए। वूल को अपने साइड करके आगे के हम ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, एक और दो, दो फंदे हमने उल्टे बनाए। वूल को पीछे करके लास्ट का हमारा ये सीधा रहेगा। तो हमने इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बना लिया है। अब हम इसकी उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई को बना के ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई को पूरी को उल्टा बना लिया है, ये देखो। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो ये हमारी पांचवी सिलाई है। तो पांचवी सिलाई पे फ्रेंड हमने पहला फंदा उतार के अब हमारे आगे के दो उल्टे, एक दो, दो उल्टे, वूल को पीछे करेंगे। तो हम यहाँ से पहले एक दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए, चौथे फंदे में फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले हम इस फंदे को सीधा भी बनाएंगे, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, आगे के हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए, चौथे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो हम पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को हम उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, फिर वूल को पीछे करके तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए। अब हम चौथे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, फिर से वूल को पीछे करेंगे, एक तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमने बना चुके हैं। चौथे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को सीधा भी बनाएंगे, वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तो इसी तरह मैंने पूरी सिलाई को बनाना है। तो मैं पूरी सिलाई इस तरह से बना लेती हूँ, आगे के मैं तीन फंदे छोड़ के आगे की पूरी सिलाई बना लाती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने चौथे फंदे पे इस तरह से फंदा बढ़ाना है। पहले इस फंदे को सीधा बना के फिर इसी फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो फंदा बढ़ चुका है। अब हमारे लास्ट के तीन फंदे रह चुके हैं। तो हमने वूल को आगे करके अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, एक और दो, दो फंदे उल्टे रहेंगे, वूल को पीछे करेंगे। अब हमारा लास्ट का सीधा रहेगा। तो इस तरह से हमने ये पांचवी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी सिलाई को मैं उल्टा बना के ले आती हूँ, सीधी सिलाई पे फिर से दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है, ये देखो। तो मैं उल्टी सिलाई को बना के ले आई हूँ। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से पूरी सिलाई को पहला फंदा हमारा ये सीधा उतारेंगे बिना बुना। आगे के हमारे दो फंदे उल्टे रहेंगे, एक और दो, दो फंदे उल्टे रहेंगे, वूल को पीछे करेंगे। अब हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई को सीधा बनाऊंगी। तो मैं पूरी सिलाई सीधी बना के ले आती हूँ, ये देखो, ये देखो। मैं पूरी सिलाई सीधी बना के ले आती हूँ, फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हम पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा बनाएंगे, ये देखो। अब वूल को अपनी साइड करके आगे के दो फंदे, एक और दो, दो फंदे हमने उल्टे बनाए, वूल को पीछे करेंगे। लास्ट का हमारा ये सीधा रहेगा। तो हमने पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बना लिया। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। तो उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा बना के ले आती हूँ, सीधी सिलाई पे फिर से दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो हमने तो ये हमने आठवीं सिलाई पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने पहला फंदा हमारा ये सीधा उतार के आगे के दो फंदे उल्टे, एक और दो, दो फंदे उल्टे, फिर से हम एक सिलाई और सीधी बना लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी चोली बड़ी चाहिएगी। तो हम एक सिलाई और सीधी बनाएंगे।
तो मैं इस पूरी सिलाई को सीधा बना के ले आती हूँ, उल्टी सिलाई पे फिर से दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हम पूरी सिलाई को सीधा बना के ले आए हैं। अब हम उल्टी सिलाई पे यहाँ से हम कंधे के लिए फंदे बनाएंगे और बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो मैं इसमें हाफ बाजू बनाना बता रही हूँ, तो कंधे के लिए हम फंदे बना लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, हम बाजू के लिए एक दो उल्टी साइड से हम फंदे बना रहे हैं कंधे के लिए। तो दो तीन चार पाँच छः और सात, सात फंदे मैंने कंधे के लिए बना लिए। अब हम बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो किस तरह से, दो फंदे एक साथ लेंगे और दोनों को इस तरह से बना लेंगे। तो दो फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमारा वापस आ जाएगा। तो ये देखो एक फंदा घट चुका है। अब हम आगे के दो फंदे फिर से लेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, दस फंदे हमने ये बाजू के लिए बना लिए। अब हम आगे के पीठ के लिए फंदे बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह, अठारह फंदे हमने ये पीठ के लिए बना लिए। अब हम अगली बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो इसी तरह हम फंदे घटा लेते हैं जैसे मैंने इसमें घटाए, दो का एक करते हुए। तो एक दो, तो मैं अगली बाजू के लिए भी फंदे दस फंदे घटा लेती हूँ। सात फंदे मैं कंधे के लिए बनाऊंगी। तो इस तरह जैसे मैंने ये बाजू, तो सेम इसी तरह हम ये वाली बाजू भी घटाएंगे। तो मैं बना लाती हूँ फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने दोनों बाजू के फंदे इस तरह घटा दिए हैं। सात फंदे हमने ये बनाए और दस फंदे बाजू के लिए घटाए। तो दोनों सेम हमारी ये बाजू बन के कम्प्लीट हो। अब हम सीधी सिलाई पर आ चुके हैं। तो सीधी सिलाई पर पहला फंदा हमारा ये सीधा उतार के आगे के दो फंदे उल्टे रहेंगे, एक और दो, दो फंदे उल्टे बनाए। अब वूल को पीछे करके हमने पूरी सिलाई को सीधा बनाना है। अब हमारी ये बाजू आ गई है, इनको भी हम इस तरह से फंदों को बना लेते हैं। तो मैं पूरी सिलाई को बना लाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब हमारे लास्ट के ये दो फंदे उल्टे रहेंगे और सबसे लास्ट का हमारा ये सीधा रहेगा। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई बना ली है फंदे घटाने के बाद बाजू के। अब हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के ले आती हूँ, सीधी सिलाई पे फिर से दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं, ये देखो। तो हम यहाँ से पहला फंदा सीधा उतार के आगे के हमारे दो फंदे उल्टे ही रहेंगे, एक और दो। अब हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो मैं ये एक सिलाई बना चुकी हूँ और आगे की मैं तीन सिलाई और बना लेती हूँ सीधी सीधी, फूल को पीछे करके इस तरह से, और नीचे की दो उल्टी। तो मैं ये पांच सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलो, मैं ये तीन सिलाई सीधी बनाऊंगी और दो सिलाई उल्टी। तो मैं ये बना लेती हूँ पांच सिलाई, फिर आपको आगे दिखाऊंगी।
देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से बाजू घटाने के बाद हमने यहाँ से ये चार सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है सीधी साइड से। अब हम पांचवी सिलाई पे आ चुके हैं, तो अब ये चोली एकदम बन के तैयार हो गई है। देखो इस तरह से हमने चोली एकदम ये देखो तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ का घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अब हम यहाँ से घेरा बनाएंगे। तो ये हमारी यहाँ से पांचवी सिलाई होगी, तो हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार के अब हम यहाँ जाली डालेंगे। तो किस तरह से, दो फंदे हम एक साथ लेंगे, ये देखो दो फंदे एक साथ लेंगे, वूल को इस तरह से सिलाई के पीछे से इस तरह से घुमाएंगे। वूल घुमाने के बाद अब हम इस तरह से, तो ये हमारी जाली भी डल जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। तो अब हम फिर से वूल को अपनी साइड करेंगे और दो फंदों के पीछे से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे। निकालने के बाद वूल को सिलाई के ऊपर से इस तरह से घुमाएंगे, ये देखो तो हमारी इसमें जाली भी डल जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। अब हम इस तरह से दोनों फंदों को पीछे से इस तरह से निकालेंगे सिलाई को, और वूल को इस तरह से घुमाएंगे, ये देखो जाली डल गई और फंदा भी बढ़ गया। अब फिर से वूल को अपनी साइड करेंगे, दोनों फंदों के पीछे से इस तरह से निकालेंगे, ये देखो, और वूल को इस तरह से घुमाएंगे, ये देखो फंदा बढ़ चुका है और जाली भी डल गई है। हमारा फंदा भी साथ के साथ बढ़ जाएगा और जाली भी डल जाएगी। अब ये देखो फिर से वूल को अपनी साइड करेंगे और दोनों फंदों को इस तरह से पीछे से सिलाई को निकालेंगे, वूल को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे, ये देखो हमारी इसमें जाली भी डल गई है और फंदा भी बढ़ गया। इस तरह से फिर से एक बार और बता देती हूँ फ्रेंड, ये देखो इस तरह से फंदे के पीछे से निकालना है, वूल को घुमाना है, जाली डल गई, फंदा बढ़ चुका है। अब हम फिर से इस तरह से फंदे के पीछे से निकालेंगे सिलाई को, ये देखो, और वूल को इस तरह से घुमाएंगे, फंदा बढ़ चुका है और जाली भी डल गई। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई को बना के ले आती हूँ, फिर लास्ट का सीधा फंदा बनाएंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई पे इस तरह से जाली डाल लिया और लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लिया है। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो उल्टी सिलाई पे फ्रेंड हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है। तो मैं उल्टी सिलाई को इस तरह से, जो हमारा जाली वाला फंदा है उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। देखो ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बना लेते हैं। अब ये हम इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। जाली वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करके ले आती हूँ पूरी सिलाई को, फिर सीधी सिलाई पे दिखाऊंगी। तो उल्टी सिलाई हम बना चुके हैं, पूरी उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम सीधी सिलाई पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने ये चोली बनाई थी, अब यहाँ से हम ये घेरा बना रहे हैं। तो घेरा में हमने ये जाली डाल दी है, तो ये हमारी पहली सिलाई है, जाली जो डाली है। अब हम यहाँ दूसरी है, तो इस पर हमने दूसरी सिलाई पे पहला फंदा उतार के अब हम वूल को पीछे करेंगे, पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। तो ये मेरी पूरी सिलाई सीधी बना लाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बना लेनी है। हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लिया है। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो उल्टी सिलाई पे हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई को उल्टा बना लाती हूँ और सीधी सिलाई पर फिर दिखाऊंगी। तो अब हम ये हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाने के बाद अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम पहला फंदा उतार के अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। तो हम फंदे से फंदा बढ़ाएंगे पूरी सिलाई पे इस तरह से, एक फंदा बढ़ाया, फिर वूल को पीछे करेंगे। पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को हम उल्टा भी बनाएंगे, ये देखो इस तरह से। फिर से वूल को पीछे करेंगे, पहले इस फंदे को हम सीधा भी बनाएंगे, फिर इसी फंदे को वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, फिर से वूल को पीछे करेंगे। देखो पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे,
फिर वूल को आगे करके इसी फंदे को हम उल्टा भी बनाएंगे। ये देखो फंदा बढ़ चुका है, फिर से वूल को पीछे करेंगे, पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को आगे करके वूल को उल्टा भी बनाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने फंदे बढ़ा लेने, फंदे से फंदा हम बढ़ा रहे हैं। तो देखो इस फंदे को पहले सीधा बनाया, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को हम उल्टा भी बनाएंगे, तो फंदा बढ़ चुका है। फिर से वूल को पीछे करेंगे, पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे, फंदा बढ़ चुका है, वूल को पीछे करेंगे इस तरह से। हम तो पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ा के ले आती हूँ, फिर लास्ट में दिखाऊंगी। तो पूरी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ा लिए, लास्ट का फंदा रह गया, इसको हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखो हमने पूरी सिलाई पे फंदे बना लिए, अब हम उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो मैंने पूरी सिलाई उल्टे बना लेनी है इस तरह से। तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना के ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है, ये देखो अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो पूरी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ा लिए थे, अब हम उल्टी सीधी सिलाई पे पहला फंदा हमारा सीधा उतार के वूल को पीछे करेंगे, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। ये हमारी फंदे बढ़ाने के बाद पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे, ये देखो। तो मैं पूरी सिलाई को सीधा बना लेती हूँ और उल्टी सिलाई को उल्टा बनाऊंगी, फिर आपको सीधी सिलाई पे फिर से दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड पूरी सिलाई को हमने सीधा बना लिया है, अब उल्टी सिलाई को पूरी को उल्टा बना लिया है। अब हम उल्टी सिलाई बना चुके हैं, अब हम फिर से सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो यहाँ हमने फिर से पहला फंदा सीधा उतार के, अब हमने दो फंदे एक और दो, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे पहले, फिर तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। ये देखो फंदा बढ़ चुका है, फिर हम आगे के दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, दो फंदे सीधे बनाए, तीसरे पे हम फंदा बढ़ाएंगे, पहले इस फंदे को सीधा भी बनाएंगे, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ चुका है, फिर से वूल को पीछे करेंगे, पहले एक दो, दो फंदे हमने सीधे बनाए, फिर वूल को पीछे, ये देखो इस फंदे को हम सीधा बना रहे हैं, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ गया, फिर वूल को पीछे करेंगे, एक दो, दो फंदे हमने सीधे बनाए, तीसरे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को सीधा बनाया, फिर इस वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। फंदा बढ़ गया, फिर वूल को पीछे करेंगे, पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बनाए, तीसरे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर वूल को आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई पे फंदे बढ़ा लेने, दो फंदे सीधे, एक फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे, तो तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ाऊंगे। तो मैं इस तरह से पूरी सिलाई को बना के ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड हमने एक इस तरह से बना लिया, तीन फंदे, दो फंदे हमने सीधे बनाए, तीसरे पे फंदा बढ़ाया, अब हमारे आगे के दो फंदे रह गए, एक और दो, इनको हमने सीधा बना लेना है। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना लिया है, अब हम इसकी उल्टी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ। पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है, पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, तो देखो फ्रेंड हम पूरी सिलाई उल्टी बना ली है, अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। तो देखो फ्रेंड हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाना है इस तरह से। तो हमारी ये पूरी सिलाई सीधी सीधी रहेगी, तो मैं इस तरह से दो सिलाई और सीधी बनाऊंगी और दो उल्टी, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड हमने इस तरह से यहाँ से ये दो सिलाई हमने सीधी सीधी बना ली है,
और उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। तो अब हम यहाँ से पहला फंदा हमारा ये सीधा उतार के वूल को पीछे ही रखेंगे और एक एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब यहाँ से हम अपना ये ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ग्रीन कलर को हमने इसी वूल में वाइट कलर की वूल में नॉट्स लगा लेंगे। तो देखो हमने इस वाइट कलर की वूल में इस ग्रीन कलर को इस तरह से नॉट्स लगा के अब हम इसी ग्रीन कलर से इस तरह से एक फंदा बनाया। अब हम एक फंदे को सात बार बनाएंगे वूल को आगे करके, दो वूल को पीछे करेंगे, एक फंदे को सात बार बनाएंगे, तीन थोड़ा लूज रखेंगे, चार वूल को पीछे करेंगे, पांच वूल को आगे करेंगे, छह वूल को पीछे करेंगे और ये सात। तो हमने एक ही फंदे को सात बार बनाना है और इसको थोड़ा इस तरह से लूज रखेंगे। तो हमने एक फंदे को सात बार बना दिया है, ये देखो। अब हम अपने व्हाइट कलर को फिर आगे लेके व्हाइट कलर से बनाएंगे, ये एक। अब हम आगे के छह फंदे बना लेते हैं व्हाइट कलर से, दो तीन चार पांच छः, छः फंदे हमने व्हाइट से बनाए। अब हम ये वूल व्हाइट वाली को यहीं बंद करेंगे और ये हम ग्रीन से सात फंदे फिर से बनाएंगे। तो एक वूल आगे करके, दो वूल पीछे करेंगे, तीन आगे करके, चार वूल पीछे करके, पांच वूल आगे करके, छह वूल पीछे करेंगे, सात। एक फंदे को हमने सात बार बना लिया है। तो इस तरह से हमारा ये आएगा। तो हमें इसे थोड़ा लूज रखेंगे। तो ये हमने सात बार फंदा बनाने के बाद अब हम व्हाइट कलर से ये आगे के छह फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे हमने ये व्हाइट से बनाए। फिर से हम अपने ये ग्रीन कलर को इस तरह से ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो हम एक फंदे को सात बार बनाएंगे, एक दो तीन आगे करके, चार पांच वूल आगे करके, छः वूल को पीछे करेंगे, सात। ये हमने सात फंदे बना लिए एक फंदे में से, इसको लूज रखेंगे। अब हमने सात फंदे बनाने के बाद अब हम व्हाइट कलर से बनाएंगे अपने छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने व्हाइट से बनाए। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई को इसी तरह बना के ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें छः फंदे व्हाइट से बनाए और एक फंदे के हमने एक फंदे में ग्रीन से सात बार बनाया है। तो इस तरह से हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है पूरी सिलाई को। तो देखो फ्रेंड, अब हमने यहाँ से ग्रीन कलर को बंद करना है और व्हाइट कलर से उल्टी सिलाई पे हैं फ्रेंड हम।
तो हम ये वाइट कलर के फंदे वाइट से बनाएंगे इस तरह से। हमारे ये छह फंदे हमने वाइट से बनाए, अब हम इनको स्लिप करेंगे। ये हमारे इस तरह से स्लिप कर लेंगे। आगे के हम वाइट वाले फंदे वाइट से बना लेंगे। तो देखो फ्रेंड, उल्टी सिलाई पे हमारे ये वाइट वाले छह फंदे, इनको हम वाइट से बनाएंगे। और हमारे ये सात, एक फंदे में से सात फंदे बनाए, तो ये ग्रीन वाले फंदों को हम इस तरह से सातों फंदों को स्लिप कर लेंगे इस वाली सिलाई पे। अब हम आगे के वाइट वाले फंदे ग्रीन, ये वाइट से बनाएंगे। तो ये हमारे छह फंदे हैं, इनको इस तरह से हम उल्टी सिलाई से इस तरह से छह के छह फंदों को बना लेते हैं उल्टा। ये देखो हमने ये बना लिए। अब हमारे ये ग्रीन वाले फंदों को, सात फंदे हैं, इनको हम इस तरह से इस सिलाई पे स्लिप कर लेंगे। हमने ये फंदे स्लिप कर लिए। आगे के छह फंदे हम फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये उल्टी सिलाई रहेगी। तो मैं ये पूरी सिलाई को इस तरह से बना के ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई को इस तरह से बना लिया, उल्टी सिलाई को पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम सीधी सिलाई पे हैं। तो सीधी सिलाई पे हमने ये हमारे पहला फंदा उतार के, अब हमारे ये छह फंदे हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हमने सीधे बनाए। अब हम ये ग्रीन वाले फंदे, एक तो हमारा वाइट का है, और हम इस तरह से इसमें फंदे घटाएंगे। तो हम सात फंदे हैं, तो छह, तीन फंदे हम ग्रीन के लेंगे और एक हम वाइट। तो इस तरह से एक फंदा हम वाइट का छोड़ेंगे। ये देखो इस तरह से हमने एक वाइट का रखा है। तो ये देखो, तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको, ये देखो फंदा घट गया है। तीन फंदे हमने ग्रीन के लिए और एक हमारा वाइट का था, तो हमने इन्हें घटा लिया। अब हम आगे के ये चार फंदे, इनको भी इसी तरह घटा लेते हैं। ये देखो मैं बहुत इजी और आसान तरीके से बता रही हूँ। देखो ये घट गए। अब हमारे आगे के छह फंदे रह चुके हैं, इनको भी हम इस तरह से सीधे बना लेंगे। तो छह फंदे हमने सीधे, छह में से पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक हमारा ग्रीन के साथ घटाएंगे। तो हमने ये छह फंदे बना लिए, सॉरी पांच। अब हमारा एक फंदा हम रखेंगे, तो इस तरह से सिलाई को, ये देखो, तो तीन फंदे हम ग्रीन के रखेंगे और एक हम वाइट का। तो इस तरह से हम इन्हें घटा लेंगे। ये देखो, तो तीन फंदे हमने वाइट के घटाए, एक हमारा वाइट वाला और तीन हमारे ग्रीन वाले। तो हमने ये इस तरह से घटा लिए। आगे के हमारे चार फंदे रह गए ग्रीन के, तो इन्हें हम इस तरह से फंदे के यहाँ से हमने निकालना है सिलाई को, और इस तरह से ये देखो हमने घटा दिए चार फंदे। ये देखो अब हमारे सातों में घटा लिए। अब हम आगे के छह फंदे इस तरह से वाइट से बनाएंगे। तो ये हम छह में से पांच फंदे हम वाइट से बनाएंगे, एक फंदा रखेंगे। अब हमारा एक फंदा रहेगा, तो इसमें से हम यहाँ बीच में से, फंदे के बीच में से सिलाई को निकालेंगे, और तीन फंदे हम ग्रीन के लेंगे, एक फंदा हमारा वाइट का रहेगा। तो ये तीन फंदे हमारे ग्रीन के, एक वाइट का, इस तरह से, ये देखो घटा दिया। आगे के हम इस तरह से फिर से फंदे के पीछे बीच में से निकालेंगे। ये देखो हमने घटा दिया। इसी तरह मैं पूरी सिलाई के फंदे घटाऊंगी, और इसी तरह मैंने बनाना है पूरी सिलाई को। तो मैं पूरी सिलाई को इस तरह से बना के ले आती हूँ, फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने ये छह फंदे वाइट से बनाए, और हम ये एक फंदा रखेंगे
वाइट वाला, और तीन फंदे हम ग्रीन के लेंगे। ये देखो, तो हमने फंदे के बीच में से इस तरह से सलाई को निकालना, इस तरह से हम फंदे घटाएंगे तो वूल को घुमाएंगे सलाई के ऊपर इस तरह से। ये देखो फंदा घट गया। अब हम फिर से ये सलाई को फंदे के बीच में से लेंगे। ये देखो फिर से हम घटा देंगे इन्हें, चार फंदों को ग्रीन वालों को। तो ये देखो हमने घटा दिया। अब हम आगे के छह फंदे वाइट से बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी सिलाई को बना लिया है। आगे के हम छह फंदे बना लेते हैं वाइट से। तो मैं पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उल्टी सिलाई पे फिर से बताऊंगी। तो मैंने पूरी सिलाई बना ली है सीधी सिलाई पे, अब पूरी बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई पे हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ। चलो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना के ले आती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है। ये देखो और हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं। ये देखो, तो अब हमने सीधी सिलाई पे पहले हमारे ये सात फंदे, हम पहला फंदा उतार के आगे के हम सात फंदे इसी तरह सीधे वाइट से बनाएंगे। अब हमने यहां से अपना येलो कलर लगाएंगे, तो हम इसमें व्हाइट कलर की वूल में इसको येलो कलर की वूल को इस तरह से नॉट्स लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने येलो कलर की वूल को व्हाइट कलर की वूल में नॉट्स लगा लिया है। अब हम एक फंदे को इस तरह से व्हाइट कलर ये वाला फंदा लेके हमने इस फंदे को सात बार बनाना है येलो कलर की वूल से इस तरह से। तो हमने एक वूल को आगे करेंगे, दो वूल को पीछे करेंगे, तीन वूल को आगे करेंगे, चार वूल को पीछे करेंगे, पांच वूल को आगे करेंगे, छह वूल को पीछे करेंगे, सात। हमने एक फंदे को सात बार बनाना है, वूल को यहीं बंद करना है। अब हम आगे के हम छह फंदे व्हाइट से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः फंदे हमने व्हाइट से बनाए। फिर से हम येलो कलर की वूल से ये एक फंदे को सात बार बनाएंगे। एक वूल को आगे करके, दो वूल को पीछे करके, तीन वूल को आगे करेंगे, चार वूल को पीछे करेंगे, पांच वूल को आगे करेंगे, छः वूल को पीछे करेंगे, सात। हमने एक फंदे को सात बार बना लिया है। अब हमने आगे से व्हाइट वाले फंदे बनाएंगे। ये हम छः फंदे व्हाइट वाले बना लेते हैं व्हाइट वाली वूल से। एक, तो इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बनाना है। तो मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ इसी तरह, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने ये व्हाइट कलर के छह फंदे बना लिए। अब हमने येलो कलर के इस तरह से एक फंदे को व्हाइट इस तरह से सात फंदे बनाएंगे हम येलो कलर से एक ही फंदे में से। तो ये देखो, एक, दो थोड़ा लूज रखेंगे, तीन आगे वूल करके, चार वूल पीछे करेंगे, पांच वूल आगे करेंगे, छह वूल पीछे करेंगे, सात। एक फंदे में से हमने सात बार बनाया है। अब हमने आगे के व्हाइट कलर के फंदे व्हाइट वूल से बनाएंगे। तो ये हमने छह फंदे व्हाइट से बनाएंगे।
तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट किया है। ये पूरी सिलाई पे हमने इसी तरह फ्लोवर डाले हैं। देखो फ्रेंड, हमने ये 6 फंदे इस तरह से सीधे बना लिए हैं। अब हम यहाँ से अपना ये हमने और ये वाइट वाली वूल को यहीं बंद करना है, और येलो वाली वूल हमने वाइट वाली वूल में नॉट्स लगा लिए है। तो अब हमने इस तरह से एक फंदे को 7 बार बनाना है येलो कलर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये लूज रखना है थोड़ा आगे वूल करके, 6 वूल को पीछे करेंगे, 7 हमने एक फंदे में से 7 बार बना लिया है। तो ये हमने थोड़ा लूज रखना है, ये देखो इस तरह से। अब हमने यहीं से बैक खोना है, हम इसके उल्टी साइड से इन 7ों को बनाएंगे। तो 1, 2 उल्टी साइड से, 3, 4, 5, 6 और ये 7, हमने 7 फंदे बना लिए। अब हम इसके आगे साइड पे आ जाएंगे। 7 फंदे बनाने के बाद उल्टी साइड से अब हम इन्हें सीधी साइड से भी बनाएंगे। तो 1, 2 उल्टे बनाने हैं फ्रेंड, ये हमको 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 फंदे हमने बना लिए सीधी साइड से उल्टे। अब हम इसके बैक साइड आ जाएंगे। तो बैक साइड हम इन फंदों को इस तरह से घटा लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हैं, तो 3 फंदे हम एक साथ घटाएंगे। तो 3 फंदे मैंने एक साथ ले लिए, ये देखो इस तरह से 3 फंदे घट गए, एक फंदा रह गया। अब हमने आगे के 4 फंदे एक साथ लेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने 4 फंदे एक साथ ले लिए। अब हम 4ों को एक साथ घटा देंगे। तो 4 फंदे हमने घटा दिए। अब हमने आगे इसकी साइड आ जाएंगे इस तरह से। अब हमने ये हमारे 2 फंदे रह चुके हैं येलो के, तो हमारा ये आगे वाला फंदा पीछे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। ये देखो हमने गिरा दिया। अब हम इसको इस वूल को पीछे करेंगे, ये देखो अब ये एकदम फूल बन के तैयार हो गया है। अब हम आगे के, ये देखो आगे के वाइट वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हम 6 फंदे सीधे बना लेते हैं। तो हमने 6 फंदे सीधे बना लिए। अब हम फिर से ये येलो कलर से 7 बार बनाएंगे। 1 वूल को आगे करके, 2 वूल को पीछे करेंगे, 3 वूल को आगे करेंगे, 4 वूल को पीछे करेंगे, 5 वूल को आगे करेंगे, 6 वूल को पीछे करेंगे, 7 हमने एक फंदे को 7 बार बनाया है। अब हम यहीं से इसकी बैक साइड आ जाएंगे टर्न करके। अब हमने इसी को 7 बार बनाना है, 1, 2। तो देखो फ्रेंड, मैं फिर से 2 मैंने इस तरह से बना लिया, फिर से मैं एक और बनाना बताऊंगी। तो देखो एक फंदे को हमने इस तरह से 1, 7 बार बनाना है, 1, 2 लूज रखना है, 3 आगे करके, 4 वूल को पीछे करेंगे,
पाँच, उल को आगे करेंगे, छः, उल को पीछे करेंगे, सात। एक फंदे को हमने सात बार बनाना है। ये देखो, अब हम यहीं से इसको बैक साइड करने के बाद हमने इस तरह से उल्टी साइड से हमने इसको सात बार बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। एक फंदे को हमने इस तरह से सात बार बनाया था, तो सात फंदे हो चुके थे। अब इन सातों बना लिए। अब हम इसके आगे की साइड आ गए। हम आगे की साइड भी इन सातों को बनाएंगे। एक उल्टा बनाना है हमें, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। हमने दोनों साइड से इन फंदों को सात बार बना लिया है। अब हम इसके बैक साइड आ जाएंगे। तो हमने बैक साइड पे हम इन फंदों को घटाएंगे। तो पहले तीन फंदे हम एक साथ घटाएंगे, एक, दो और तीन। तीन फंदे हमने एक साथ लिए इस तरह से, तो तीनों को हम एक साथ घटा देंगे। ये देखो, तीन फंदे हमने घटा दिए। अब हम चार फंदे एक साथ लेंगे, एक, दो, दो। तो देखो फ्रेंड, हमने ये चारों फंदे एक साथ लेने के बाद अब हम चारों को इस तरह से घटा देंगे। तो हमने चार फंदे एक साथ घटा दिए। अब हम आगे की साइड आ गए। अब ये हमारा आगे वाला फंदा हम इस तरह से पीछे वाले फंदे के ऊपर गिरा देंगे। तो ये पीछे वाला फंदा हम आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा दिया। तो हमने एक फंदा हमारा रह गया। अब हम इसको वूल को पीछे रखेंगे, येलो वाली वूल को। अब हम आगे के वाइट वाले फंदे वाइट से बनाएंगे। छह फंदे हम वाइट से बनाएंगे। इस तरह से हमने ये रोज ये सारे फूल बना के कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसमें फ्लोवर बना लिए हैं। अब हमने यहाँ से येलो कलर को बंद करेंगे और वाइट कलर की वूल से पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। उल्टी उल्टी सिलाई पूरी हमने उल्टी बनानी है। तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बनाऊंगी इस तरह से। तो मैं इसमें चार सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर अब आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से ये दो सिलाई तो हमने सीधी सीधी बनाई थी और दो हमने उल्टी उल्टी बनाई है। इस तरह से बना के चार सिलाई बना के हमने ये कंप्लीट किया है। तो अब हमने यहाँ से ये कंगूरे बनाए। तो मैं आपको कंगूरे बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाने हैं। तो देखो फ्रेंड, हम यहाँ से कंगूरे बनाएंगे। एक, दो, दो फंदे हम बनाएंगे। दोनों को दोनों साइड से बनाएंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो हम उल्टी साइड से भी इनको बनाएंगे। उल्टी साइड से बना लिया, अब हमने सीधी साइड से भी बनाना है। तो एक फंदा हम फिर से इस सिलाई से लेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे हुए, तीनों को दोनों साइड से बनाना है। तो हमने तीन हो गए। अब हम चौथा फंदा भी इस सिलाई से लेंगे। तो हमारे चार हो गए। हम पांच फंदों का कंगूरे बना रहे हैं। तो ये देखो, चारों को हम दोनों साइड से बनाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से। अब हम ये सीधी साइड आ चुके हैं। तो चार फंदे हमने बना लिए, एक फंदा हम फिर से इससे लेंगे। तो ये हमारे पांच हो जाएंगे।
तो पांच फंदे हो चुके हैं, तो इन पांचों को हम उल्टी साइड से भी बनाएंगे। ये देखो हमने पांचों उल्टी साइड से भी बना लिया। अब हमने सीधी साइड से ये फंदे इस तरह से घटा लेंगे, दो का एक करते हुए। एक घटाया, वापस सिलाई में डालेंगे, दो घटाए वापस सिलाई में डालेंगे, तीन घटाया वापस सिलाई में डालेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसके सारे फंदे घटा दिए हैं। ये देखो, तो इस तरह से हमने ये सारे कंगूरे बना के तैयार कर लिए हैं। आगे के हमारे ये चार फंदे रह गए, इनको हम इसी तरह घटा देते हैं दो का एक करते हुए। ये देखो तो फ्रेंड, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आपको ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।